अकाली दल के नेता हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, जिनका एक बयान बहुत ही तेजी से इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि जो वीडियो करण जौहर के पार्टी वाला उन्होंने वायरल करवाया और पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, उस वीडियो का जो उद्देश्य है वो ये कि बॉलीवुड में सिर्फ कुछ ही ऐसे बड़े नाम हैं जो ड्रग लेते हैं, ड्रग का सेवन करते हैं, बॉलीवुड में ड्रग की पार्टियां करते हैं और बॉलीवुड को नाम खराब कर रहे हैं। उस वीडियो को वायरल करने और उस वीडियो पर शिकायत दर्ज कराने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी सिरसा की कि कुछ बड़े नाम जो अच्छे चेहरे का मुखटा लगाकर घूम रहे हैं उन्हें हटाना है, बॉलीवुड साफ सुथरा रखना है। ये इस वजह से वीडियो को वायरल किया गया था, ऐसा सिरसा का कहना है। साफ तौर से सिरसा ने यह भी कहा कि और ऐसा भी हमें नहीं मानना चाहिए कि ड्रग का एंगल अगर बॉलीवुड में आ गया है तो सारे के सारे कलाकार ही खराब हैं। ये बात सिरसा की आज लोग बहुत सुन रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं। आपको बताया कि सिरसा ने कल ये बात कही कि पाकिस्तान से उन्हें जान से मारने की धमकी भरे कॉल भी आ रहे हैं और वो करण जौहर करवा रहे हैं। क्या कुछ कहा था ये आपको बताते हैं। सिरसा ने बताया कि वो पाकिस्तान सिरसा ने बताया कि जिस बंदे का कॉल आया था उसने कहा कि मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूं और बहुत गंदी जबान और गालियों के साथ बात कर रहा था। उसने कहा कि अगर तुमने करण जौहर के खिलाफ अपना केस वापस नहीं लिया तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, ड्रग मामले में अब कोई बयान मत देना। इस तरह की बातें मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताई है कि पाकिस्तान से उनको धमकी आ रहा है। हालांकि उन्होंने पुलिस में शिकायत भी इस बात की दर्ज कराई है, कहा यह भी जा रहा था, फिर एक बार कॉल आया ये कहते हुए कि अपनी शिकायत वापस लो। तो इस तरह के मामले मसले फिलहाल इस समय चल रहे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ। वैसे मनजिंदर सिंह सिरसा ने ही करण जौहर के पार्टी वाले वीडियो को वायरल करने के बाद बहुत बड़े बड़े खुलासे ड्रग मामले से बॉलीवुड कनेक्शन को खोला है। आप कुछ कहना चाह रहे हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, बने रहे हमारे साथ।